सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 9 बजे से, और आज का मौसम जो है बहुत ही सुहावना है और आसमान बिल्कुल क्लीन है और अच्छी धूप खिली हुई है। दोस्तों मैं भी एकदम रेडी हो गई हूँ। आज मेरी और मम्मी की तैयारी है फाटा मार्केट जाने की, क्योंकि जो है आज हमारा फाटा मार्केट में कुछ काम है, तो आप वीडियो में बने रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारी देवभूमि केदार घाटी, एक छोटे से गाँव रेल गाँव से, और हम जा रहे हैं मार्केट। और रोहित भी स्कूल चले गया है, स्कूल चले गया, और हम दोनों जा रहे हैं सामान के लिए। दोस्तों मैंने पीठ पर बैग भी लगा दिया है, अब चलते हैं फाटा मार्केट। दोस्तों ये हमारे गांव की मंदाकिनी नदी, और गर्मियों के टाइम जो है काफ़ी कम रहती है ये नदी, और बरसात के टाइम जो है इधर साइड तक आ जाती है नदी, इधर साइड तक आ जाती है नदी। दोस्तों मैंने एक चक्कर जो है सुबह लगा दिया है और एक चक्कर मैं अभी लगा रही हूँ। सुबह के टाइम जो है मैं दूध लेके गई ऊपर रोड तक, और अभी जा रही हूँ फाटा मार्केट। और रास्ते में देखिए ऐसे फूल वो झड़ रखे हैं बुरांस के, यहाँ ऊपर है बुरांस का पेड़, तो यहाँ से झड़ रखे हैं फूल बुरांस के। अब जो है बुरांस का सीजन भी जाने वाला है, अब बुरांस के पेड़ों से जो है बुरांस ऐसे ही झड़ते रहते हैं। ये देखिए कितने सारे बुरांस गिर रखे हैं नीचे। मैं अपने गांव की इधर वाली धार में पहुंच गई हूं, और यहां से देखिए हमारा गांव साफ ही दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, जहां पर मैं खड़ी हूं यहां पर सिर्फ चीड़ के पेड़ ही पेड़ हैं। ये देखिए यहां चीड़ के पेड़ हैं, और मम्मी जो है ऊपर चले गई है। फाटा मार्केट जाने का जो रास्ता है वो ऐसे है, ये देखिए। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वैसे ही धूप हो रही है और सांस भी फूल रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ जो है ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं। ये देखिए ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं, और चीड़ के पेड़ पर भी नई पत्तियाँ आ गई हैं, और पुरानी पत्तियाँ देखिए ऐसे झड़ गई हैं। और बाद में जो है अब जो है रास्ते में इतना भयंकर जो है चीड़ की पत्तियाँ रहती हैं। दोस्तों चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो है थकान भी लग गई है, मैं और मम्मी बैठ रखे हैं यहाँ पर, थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं। और अभी जो है हम सीधे रास्ते में पहुँच गए हैं, फाइनली जो है रोड पर भी पहुंच गए हैं। रोड से जो है फाटा मार्केट जो है 1 किलोमीटर दूर है, और मम्मी जा रही है आगे से, और धूप भी हो रही है आज तो भयंकर वाली। 2-3 किलोमीटर पहला रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गई हूं सबसे छोटे मार्केट फाटा मार्केट में। ये हमारा मेन मार्केट भी है, और आजकल जो है फाटा मार्केट में जो है काम लगा हुआ है, और 25 तारीख से जो है यात्रा सीजन भी खुलने वाला है, मतलब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं 25 अप्रैल से। फाटा मार्केट में सभी लोग अपने कामों पर बिजी हैं, कोई जो है अपने लॉज वगैरह पर जो है पेंट वगैरह लगा रहे हैं। यात्रा सीजन की फुल तैयारी चल रही है फाटा मार्केट में भी, और फाटा मार्केट में भी काफ़ी नए नए लॉज बन गए हैं, और कई ने जो है अपने लॉजों पर जो है पेंट वगैरह भी कर दिया है। मैं और मम्मी आ गए हैं यहाँ दुकान पर सामान लेने। फाटा मार्केट के नीचे भी सीढ़ीनुमा खेती है, लोगों ने वहाँ नीचे जो है गेहूं की खेती कर रखी है, और उधर बन रखे हैं हट वगैरह बन रखे हैं उधर, क्योंकि वहाँ अब जो है हेलीपैड बनने वाला है। और मम्मी के पास है कट्टा, उसमें बहुत ज़्यादा सामान है, और मेरे हाथ पे भी एक थैला है। हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा सामान है, एक बैग जो है पीठी पे है, एक बैग जो है हाथ पे है, और एक जो है मम्मी ले जा रही है वहाँ आगे। और जब भी हम फाटा मार्केट आते हैं तो हमारे पास जो है सामान से जो है बैग थैले भरे हुए रहते हैं।
हम अपने गांव के रास्ते में अभी पहुंच गए हैं। अब हमें यहां से जाना है पैदल और आगे से जा रहे हैं भाभी के दो छोटे छोटे बच्चे। अभी जो है हम यहां पे बैठे हुए हैं और यहां पे चल रही है ठंडी ठंडी हवा और इधर से दिखाई दे रहा है हमारा छोटा सा गांव, आप लोग देख सकते हो, और काफी छोटा गाँव है हमारा। तो फाइनली जो है घर भी पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे है ना हमारे आर्क हैं, दिया हो गया और आयुष्मान आर्क हैं और मम्मी उनको दे रही है जूस, वो भी नारंगी का जूस। बाय ये दिया, बाय। दोस्तों यहाँ पे इतना सामान लेके आए हम तीन थैले में, और वो जो है किसी में जो है चाय चीनी है, मतलब ऐसे ही है बारीक बुरीक सामान है घर का, और तीन बैग लाए हम, मतलब तीन थैले थे, एक बैग था और दो थैले थे, इतना भारी हुआ। और दोस्तों घर भी पहुंच गए हैं और बहुत धूप हुई रास्ते में, और अब ये बच्चे आ रखे थे दीदी के नतीने तो उनको मैंने जूस पिलाया, वो घर चले गए। अब बनाते हम दिन का लंच और आज दिन में तो एक बज गई और अब बनाते हैं और तब दो तीन बजे खाएंगे। और सुबह ही गाय भैंसों की व्यवस्था कर दी थी, सुबह में गाय भैंस अंदर बांधे, उनको पानी पूनी पिलाया, और ऐसे करते हम हमेशा जब मार्केट जाते तो गाय भैंसों को अंदर बांधे, क्योंकि आजकल जो है धूप होती है और मच्छर खाते हैं, मच्छर खा रहे हैं और धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है, और तब अंदर बांध के जाते हैं हम। फाटा मार्केट से आने के बाद जो है हमने दिन का लंच बनाया और जो है उसके बाद थोड़ा आराम किया, तो अभी मैं गौशाला से आई, गाय भैंस ही मैंने बाहर निकाल दी है, और जो है मौसम जो है खराब हो गया है फिर से, आसमान में बादल छाए हुए हैं और भयंकर वाली हवा चल रही है। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।